हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं वेज चाउमीन नूडल्स। आप देख सकते हैं कितने यमी और डिलीशियस लग रहे हैं। सी, सो स्पाइसी एंड डिलीशियस इट इज। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने आधा लीटर के करीब पानी लिया है। पानी को गर्म कर लेंगे। उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया है। अब हमने ये नूडल्स लिए हैं, इनको हम बीच में से तोड़कर, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, तो हमने इसमें डाल दिए हैं पैन के अंदर। देख सकते हैं, अब हम गैस को मीडियम रखेंगे और साथ में हमने ये 4 से 5 बूंदे हमने ऑलिव ऑयल की डाल दी हैं। 10 मिनट हो गए हैं मीडियम आंच पे, और ये हमें पूरी तरह नहीं पकाना होता है, तो इसको अब हम गैस को ऑफ करके स्टेनर में स्टेन कर लेंगे, और पानी से, नॉर्मल सादा पानी से हम इसको धो लेंगे ताकि इसकी स्टिकीनेस चली जाए, और इसको ठंडा कर लेंगे। इधर हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने ऑलिव ऑयल लिया है 1 से 1.5 चम्मच। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ये सब्जियां ली हैं, हरी मिर्च कट करी है 2-3, ये हमने कैबेज लिया है, कैप्सिकम, कैरेट, अनियन, गार्लिक, और हमने जिंजर कट किया है। सबके थोड़े लंबे लंबे पीसेस कट किए हैं। तो सबसे पहले हमने ये लहसुन डाल दिया है, हल्का सा भून लेंगे, गैस को मीडियम रखना है। अब हम इसमें अनियन डाल देंगे, कुछ सेकंड के लिए अनियन को भूनने देंगे। इसके बाद अनियन थोड़ा भुनना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इसमें एक एक करके सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। अभी हमने ग्रीन चिली और अदरक डाला है। अब हम इसमें कैरेट डाल रहे हैं, अब हमने इसमें कैप्सिकम डाल दिया है, इसके बाद हमने कैबेज डाल दिया है, सारी सब्जियां डाल दी हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको ढक करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पाँच मिनट हो गए हैं, देख सकते हैं सब्जियां अच्छे से भुन गई हैं, अच्छे से पक भी गई हैं, सब्जियां कच्ची नहीं रहनी चाहिए। अब ये हम इसमें सिरका डाल रहे हैं 2 चम्मच। दो चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट और कलर आएगा। मिक्स कर देंगे। गैस को हमने मीडियम रखा है। अब हम इसमें 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे, और 1 चम्मच ये हमने टमाटो सॉस डाला है। आप सॉसेस अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, टेस्ट के अनुसार। अगर आप
बहुत ज़्यादा सॉसेस अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये हमने छोटा चम्मच डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसे मीडियम आंच पे चलाते रहेंगे ताकि सॉसेस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे सब्जियों में। अब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। एक चम्मच हमने नमक डाल दिया है, हम उबालते वक्त भी नमक डाल चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फॉर्क की सहायता से हम मिक्स कर रहे हैं। गैस को हमने मीडियम ही रखा है। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे मीडियम आंच पे और 2 मिनट तक ऐसे ही फोर्क की हेल्प से टॉस करते रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये बन के रेडी हो चुके हैं नूडल्स, अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। नूडल्स सर्व कर लेते हैं। सर्व कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कितने यमी और डिलीशियस लग रहे हैं। आप इन्हें सॉसेस के साथ सर्व कर सकते हैं। इट लुक सो डिलीशियस। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय।